नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे उनकी क्या है विचारधाराएं, क्या भावना रखते हैं, क्या महसूस करते हैं वो आपके बारे में, क्या कुछ सोचते हैं आपके बारे में, देखते हैं। ये जानने के लिए आपके सामने रखे हैं ये 3 कार्ड्स, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो आपको जो कार्ड अच्छा लगे इन तीनों कार्ड्स में से, जो आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, उस कार्ड को चुनें। और जिस व्यक्ति की भावनाएं आपके प्रति क्या हैं, वह क्या सोचता है आपके बारे में, क्या महसूस करता है, उसके बारे में आप एक बार स्मरण करें और अपने जो इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करें कि उस व्यक्ति की जो भावनाएं आपके बारे में वो आपको प्रदर्शित करें। मेरी आशा रहेगी आपसे कि आप लोगों ने कार्ड चुन लिया होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 of Wands। जिन लोगों ने नाइट ऑफ पेंटिकल्स चुना है, देखते हैं उनके प्रति क्या भावना है। मैं इन दोनों कार्ड्स को रख दूं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। जिस किसी के बारे में आपने सोचा है, जानना चाह रहे हैं, उसकी भावनाएं आपके प्रति, वो आपको बहुत अच्छा नेतृत्वकर्ता समझते हैं, बहुत सकारात्मक सोच है आपके प्रति। और ये आपकी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके लवर हो सकते हैं। बहुत भावना आपकी जुड़ी हुई नज़र आ रही है मुझे। जिस किसी व्यक्ति के बारे में आपने पूछा है या आपके ऑफिस में वर्क करती हैं, जिनसे आपको थोड़ा सा लगाव मुझे लग रहा है कि है, और अगर आप उनकी भावनाएं जानना चाहते हैं तो वो आपको बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं आपके बारे में, वो बहुत खुश दिल समझते हैं आपको। आपको कोई भी काम दिया जाए तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, आप बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं। हो सकता है आपकी शादी भी उनसे आप करना चाहते हैं या होने वाली है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। वो आपको बहुत बहादुर साहसी समझते हैं, आप किसी भी काम से पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपको कोई भी काम दिया जाए, कहते हैं ना किसी व्यक्ति को पत्थर दे दिया जाए तो वो सोना बना देता है, उस प्रकार का व्यक्ति आपको समझते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एकदम से वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं इसको, गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको वो हंसते हुए ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कभी कभी ऐसे गुस्से में हो जाते हैं तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, और जो पल होते हैं ना अच्छे, उनको आप दोनों लोग गवा बैठते हो। आपका थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा अपना थोड़ा सा विकसित करना चाहिए कि जो अच्छे पल हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू रखकर अपने जीवन को और आनंदपूर्ण बना सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने ये दूसरा कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स चुना है, उनके प्रति क्या भावनाएं हैं। कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन बहुत कम लोगों को मिलती है, मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल से मिलता है। सारी चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती हैं। आपके लिए आया है द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बहुत बहादुर साहसी आपको ऐसा सोचते हैं वो। और अभी आपको घूमने का कुछ प्लान बन रहा है आप दोनों का, या फिर वो आपसे कह रहे हैं कहीं घूमने के लिए, है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है, या आप ही कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। जिस किसी व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा
खुश रहते हैं, आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं, और आपका जो काम करने का तरीका है ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग काम को बोझ समझ के करते हैं, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं पता ही नहीं लगता काम कब हो गया, तो आप में ये जो आपकी जो क्वालिटी है ऐसी, उसे वो बहुत पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी जो ईश्वर के प्रति जो आपकी नॉलेज है, आपको आप साहसी होने के साथ साथ विद्वान भी हैं, वो क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। और ऐसा कम लोगों को लोग होते हैं, जैसा कि मैंने कार्ड्स खोलते में ही ऐसा बोला था कि ब्यूटी विद ब्रेन बहुत कम लोगों को मिलते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप कहीं ना कहीं खूबसूरती और बुद्धिमत्ता भी आप रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, और आपके बहुत ही सकारात्मक कार्ड आए हैं आपके लिए। कुछ स्वास्थ्य में गिरावट देख रही हूँ, है ना, आपके प्रति उनकी जो है भावनाएं बहुत ही केयरिंग हैं, आपको बहुत अच्छा विद्वान नेतृत्वकर्ता समझते हैं, वो जानते हैं। जिन लोगों ने ये तीसरे नंबर का कार्ड टेन ऑफ वॉन्ड्स चुना है, उन लोगों के लिए क्या है भावनाएं उनके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 3। जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, मुझे ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। देखते हैं क्या कार्ड्स में आता है आपके लिए। हैं द डेविल, द एम्प्रेस, द टावर। तो मैं कह रही थी कि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो जहाँ भी बैठता है अपनी प्रतिभा को बिखेर ही देता है, है ना। तो शायद आपने प्रश्न किया है अपने लवर के बारे में, इससे आपकी भावना अत्यधिक जुड़ी हुई है। कुछ ऐसा समय आपने अभी देखा है, बहुत त्याग किया है, कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ है अभी जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा लग रहा है, है ना। लेकिन कोई महिला है जो आपको समझाएगी इस बारे में और आपकी मदद करेंगी, जिससे आप समस्या से बाहर आ जाएंगे या आ चुके हैं। कुछ लग रहा है प्रेजेंट या पास्ट में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे, और वो व्यक्ति जिसके लिए आपने प्रश्न पूछा है, वो आपको बहुत भावुक समझते हैं, है ना। वो आपकी आपकी जो भावनाएं हैं उनसे बहुत प्रेरित हैं। वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत दिल से सोचते हैं, दिमाग से आप डिसीज़न कभी कभी लेते हैं, लेकिन आपका दिल से लिया हुआ डिसीज़न भी बहुत ठीक और सटीक बैठता है। तो आप एक बहुत अच्छे डिसीज़न लेने वाले व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी सोच है आपके प्रति। और सबसे अच्छी बात कि आपको वो एक सुंदर व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वो समझते हैं कि आप सुंदर हैं, है ना, और बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं आपको। ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपसे जुड़ सकती हैं, कुछ नहीं भी जुड़ सकती हैं, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखें। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर मेल खाती हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव माइंड हैं, आप बहुत ही मतलब कलाकृतिक हैं, आप मतलब आप एक कलाकार हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि आप कलाकार हैं, कुछ ऐसा आपने करके ज़रूर दिखाया होगा जिससे वो सोचते हैं कि आप कलाकार हैं, आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे वो ऐसा सोचते हैं। आप एक कुशल व्यक्ति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, कुशलता है, सुंदरता है, है ना। आपको किस समय क्या बोलना है, क्या किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपको लोगों से बात करनी है, किस तरीके से माफ़ी चाहूँगी किस तरीके से आपको
अपने डिसीज़न को लेना है वो आप भली भांति जानते हैं, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, मतलब आप एक तरीके से बहुत अच्छे डिसीज़न मेकर हैं, लेकिन दिल से सोचते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल से लिया वो डिसीज़न गड़बड़ा जाता है और दिमाग से लिया डिसीज़न कभी भी गड़बड़ाता नहीं, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं दिल से लिया हुआ डिसीज़न भी आपका सटीक बैठता है। तो ये है आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।